गाइस फाइनली इसको लिफ्ट दे चुके हैं। बच्चा हाय करो, हाय। तुम यूट्यूब देखता है? यूट्यूब साइकिल, बिहार यात्रा इन साइकिल, भैया बिहार यात्रा इन बाइक कर लिए और बिहार यात्रा इन साइकिल कर रहा हूँ। चलो तो गाइस चैन उतर गया है पहली बार, अब देखते हैं कितना देर लगेगा चैन। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस से एक और नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और ये है चौक है कुछ तरवारा का, जो कि ये तरवारा 5 हाईवे में जुड़ा हुआ है, यानी 5 हाईवे यानी कि आपका 5 रोड, जो कि 5 बड़ा बड़ा नगर को ये जोड़ता है। इसलिए बहुत बड़ा विख्यात मार्केट है यहाँ पे, और आज के डेट में तो ये बहुत ज़्यादा ही विख्यात है। और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकल गया हूँ इसी में से एक हाईवे के, इस वाले हाईवे में, ये वाला हाईवे जो कि आपको जोड़ता है महाराजगंज को। तो महाराजगंज से तरवारा को जोड़ने वाला जो हाईवे है उसमें जा रहे हैं, क्योंकि हमको जाना है अभी गाँव। और वो भी डिस्टेंस पड़ेगा, आपको साइट कहीं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 17 किलोमीटर के आसपास को डिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस ओनली साइकिल पर करने वाला हूँ, देख लो। और सुबह सुबह मैं इसलिए निकला हूँ ना गाइस, क्योंकि यहाँ पर धूप जो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आज दिखा रहा है गूगल पर टेम्परेचर की 40 डिग्री का होने वाला है। तो भैया उतना धूप में मेरा साइकिल चलेगा नहीं, तो इसलिए मैं निकल गया हूँ साइकिल से ही। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ का फेमस दुर्गा माँ मंदिर। ये देख लो, ये है कुछ बहुत बहुत ज़्यादा विख्यात है, जो हाल फिलहाल में बनकर तैयार हुआ है ये मंदिर। ये मंदिर पता है गाइस, इसमें मतलब 7 या 8 माँ देवी का, दुर्गा का ये है, 7वें देवी 8वें देवी का कुछ ये है। मैं आप उतना कुछ जानता नहीं हूँ, मतलब नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इसका जो पुराना मंदिर था वो कहीं और था, तो उसको यहाँ से वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया है। और ये बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, और यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी अगर सच्चा श्रद्धा से वगैरह से मांगता है तो उसकी मन्नत पूर्ण हो जाता है, ऐसा लोग में वो प्रचलित है और हुआ भी है। और इसलिए आप लोगों को भी सोचा कि दिखा दो, सुबह सुबह माता का दर्शन करा दो। तो चलो साइकिल, बिहार यात्रा इन साइकिल, भैया बिहार यात्रा इन बाइक कर लिए और बिहार यात्रा इन साइकिल कर रहा हूँ। चलो तो गाइस चैन उतर गया है पहली बार, अब देखते हैं कितना देर लगेगा चैन चढ़ाने में। चैन चढ़ गया और हाथ हो गया काला, स्पीड से चैन उतर गया। ये है दूसरी बार। गाइस एक बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है पैदल पैदल, तो बाइसिंग यहाँ से पूरा लंबा रास्ता है, पूरा फाँका है। देखता वो लिफ्ट मांग, लिफ्ट बोलता वो दे दूंगा अगर साइकिल से, तो देखता वो ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो यही देखो सामने जा रहा हूँ। अरे बाबू हाँ स्कूल जाएगा, बैठो साइकिल छोड़ दूंगा, इधर ही जा रहा है, बैठेगा तो बैठ जाओ, यही छोड़ दूंगा, कहाँ स्कूल, मैं भी सीधा ही जा रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो गाइस फाइनली इसको लिफ्ट दे चुके हैं। बच्चा हाय करो, हाय। तुम यूट्यूब देखता है? यूट्यूब हाँ, यूट्यूब में देखना, मेरा चैनल आएगा तो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ठीक, हमको देखने मिलेगा, ठीक है। कहाँ, कौन सा स्कूल में पढ़ता है तुम? जेस, जेस पब्लिक स्कूल। तो तुम अकेले कितना, इतना सुबह सुबह स्कूल जाता है, छुट्टी कितना बजे होता है? छुट्टी कितना बजे होता तुम्हारा? 11 बजे। कौन सा क्लास पढ़ता है तुम? हाँ 1 में। वाह ऐसे स्कूल डेली जाया करना, डेली हाँ डेली जाएगा तो बहुत अच्छा। क्या नाम, क्या है तुम्हारा, क्या नाम है? सनी। ये तुम्हारा दोस्त है ये लोग? अच्छा ये लोग स्कूल जाते हैं। तो गाइस अभी हमने करीबन 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं महाराजगंज, और यहां से और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। तो अभी काफ़ी सुबह है तो काफ़ी ट्रैफिक कम है, तो उतना ज़्यादा हमको ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ा, नहीं तो यहां पे करीबन 10 से 15 मिनट तक ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, ये तो निश्चित है भाई। लेकिन अभी ट्रैफिक एकदम फाँका है, देख लो पूरा बाजार बंद है ना, इसीलिए पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है फाँका है।
और चलो, और थोड़ा ही देर बचा है और 5 मिनट का रास्ता है। अभी हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो नाश्ता वगैरह करेंगे, लेकिन दुकान खुला नहीं है। और यहाँ का ये फेमस माता दुर्गा का मंदिर है ये वाला, तो गाइस और कुछ देर है और पहुँचने वाले हैं। और पता है गाइस यहाँ इतना बच्चा लोग कोचिंग जाता है ना, बहुत बच्चा लोग कोचिंग जाता है यहाँ पे, जानते हो गाइस। बिहार में दो चीज़ बहुत ज़्यादा खास देखा हूँ मैं, नोटिस किया हूँ अभी तक, कि यहाँ पे स्कूल से ज़्यादा कोचिंग में भरोसा किया जाता है और दवा से ज़्यादा दुआ में भरोसा किया जाता है। लेकिन मेरे नज़र में दोनों ही सही है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। लेकिन आदमी को दवा पे भी भरोसा करना चाहिए और स्कूल पे भी भरोसा करना चाहिए। देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर मैं स्कूल में जाऊँ ही ना, तो स्कूल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ से आपको कागजी सर्टिफिकेट मिलेगा। कोचिंग वाला कभी आपको ज्ञानी बना देगा, लेकिन आपको सब पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा कि हाँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, ये नहीं बता सकता कोचिंग वाला। लेकिन उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। उसी तरह आप बीमार हैं तो आपका दवा खाना पड़ेगा, वो दुआ भी असर करता है, लेकिन आपको दवा खाने के पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उतना नहीं देखने को मिल रहा है मेरे नज़र में, अभी तक मैं जहाँ तक नोटिस किया हुआ। इतना बच्चा लोग कोचिंग जाता है, इतना बच्चा लोग कि पूछो नहीं। मैं रास्ता में आ रहा था पूरा साइकिल से, सुबह का टाइम है, लड़का लोग स्कूल ड्रेस में कम कोचिंग जाने के लिए रेस लगा रहे। बताओ, कोचिंग जाने के लिए लाइन लगा हुआ रास्ता में एकदम पूरा दूर तक, करीबन हम 3-4 किलोमीटर तक हम आ रहे थे, तो 3-4 किलोमीटर देख रहा हूँ सिर्फ कोचिंग जाने के लिए। महाराजगंज, तरवारा, ये सब पूरा जगह में सिर्फ कोचिंग सेंटर ही खुला हुआ है, कोचिंग सेंटर। बताओ, अब स्कूल में जाने के लिए विद्यार्थी लोग स्कूल जा ही नहीं रहे, तो स्कूल मेरा हाथ में तो कहीं तक मैं अगर मैं सही हूँ तो बताना कि दुआ या दवा पर भरोसा करना चाहिए। मैं तो कहूँगा दोनों पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप लोग मैं एक गाना रिकमेंड करता हूँ आप लोग को, वो सुन लेना, उसके बाद आप लोग को सब मालूम हो जाएगा। YouTube पे अवेलेबल है गाना, वो मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, वो कर्म तराजू धर्म वही भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। ये गाना जाके आप लोग सर्च करना YouTube पे, देखना, वो गाना सुन लोगे ना तो आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों ही ज़रूरत है। लेकिन यहाँ जो बिहार में अभी तक मैं देखा ना, मतलब अंधभक्त टाइप के बहुत ज़्यादा हैं, मतलब दोनों चीज़ पर विश्वास ना करके सिर्फ एक चीज़ की तरफ ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और वो लोग पछतावा ही पछतावा लास्ट मिलता है। जैसे सांप वाप काट लेता दवा कराने नहीं जाएंगे वो लोग, झाड़ फूँक कराने जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत है, दवा कराना ज़रूरी है, दवा नहीं कराएगा तो उसका खुद का हानि है। लेकिन ये जागरूकता फैलाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो चलो, ये आसपास का व्यू देख लो, पूरा घास का मैदान है इधर, और इधर भी पूरा एकदम मस्त हरियाली टाइप का है, और पूरा बीच सड़क है, पूरा बीच रोड है, और यहाँ पे अभी हम साइकिल चला रहे हैं। तो और करीबन 4-5 किलोमीटर बचा है, 4 किलोमीटर आई थिंक, हाँ। तो घर पहुँचता हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगा भाई, बहुत हाथ दर्द दे रहा है, क्योंकि एक हाथ से ब्लॉगिंग, एक हाथ से साइकिल, बहुत हालत ख़राब हो रहा है। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में गाइस।